अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आप 22 डीजी खान मैट्रिक एडमिशन के लिए ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है जो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, वीडियो मुकम्मल देख लें। वीडियो देखने के बाद आपको आसानी हो जाएगी इसके एडमिशन के लिए अप्लाई करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है, 22 डीजी खान मैट्रिक एडमिशन 2022 रजिस्ट्रेशन। तो जिसमें आने के बाद आप आसानी से इसके 9th 10th के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको मुकम्मल मेथड समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो एक अहम बात बताता चलूँ कि दोस्तों, ये पोस्ट बेसिकली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.pk की पोस्ट है, जिस पर हम आपको रिज़ल्ट, एडमिशन, मेरिट लिस्ट, स्कॉलरशिप, पास पेपर्स और जॉब्स के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम इन सारी अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो हम आपको वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर देते रहते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे आप इस पोस्ट पर आते हैं, तो इस पोस्ट पर आने के बाद आपने पेज का स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने पर जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो हमारे सामने एक बटन शो होता है अप्लाई नाउ का। तो जैसे हम इस पे माउस का कर्सर लेके आते हैं, तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो जैसे इसका कलर ग्रीन होता है, तो हम इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। तो जिसमें आने के बाद आप ऑनलाइन एडमिशन्स एंड रोल नंबर स्लिप्स में आ जाएंगे। तो इसमें अगर आप मैट्रिक पे कर्सर लेके आते हैं माउस का, अगर आप मोबाइल से हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें आप मैट्रिक प्राइवेट एनुअल एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या रेगुलर, तो जो भी यहाँ से जिसके लिए भी आप इसके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। रेगुलर में हम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है। जैसे मेरे पास ये ओपन होता है, तो मेरे पास ओपन हो चुका है इसका एडमिशन वाला सेशन। तो इसमें अगर आपका लॉगिन आया, तो आप इसमें अपना यूज़र नेम और उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो अगर आप इसमें लॉगिन नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। अपना समझाने वाला हूँ, तो जैसे आप उस पर, तो अगर आपका इसमें लॉगिन है, तो आप इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर आपका इसमें यूज़र नेम और आईडी नहीं बनी हुई, तो आप अपने करीबी स्कूल या कॉलेज में जाने के बाद किसी भी अदारे से आपको टच होना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी तरह से यहाँ पे आने के बाद बगैर यूज़र आईडी के आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप किसी भी इदारे से जाने के बाद इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब करना और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।